This show is organized by me, and in this show I am Bollywood. So, इसमें पहले दिन पे pool party हुआ था, दूसरे दिन पे talent round हुआ था, और तीसरे दिन पे final round हुआ था. Guys, आप बता सकती हैं मैम, मैंने तो साइन किया है और अमाउंट भी लिखी हुई है. राजपुर मैम 1,00,000 रुपए, बिल्कुल इसमें 25,00,000 रुपए लिखे हुए हैं. मेरा नाम ये चेक मेरे पास आ चुका है. अब देखते हैं कि इसका विनर कौन है. मैं क्योंकि ट्रॉफी भी मैंने ही डिक्लेयर करी थी. मैं हूँ. मेरा नाम डाल दो 20,00,000 आप. और मैं चाहता हूँ कि अगली फिल्म हमारी गाली गलौज में ये बहुत प्यारा सा रोल करे. करोगे बेटा? जोरदार तालियां अभी से इसको साइन कर दिया मैंने बच्चे को. ये बहुत ही प्यारा बच्चा है और आगे चल के इसके अंदर बात है कि आने वाले जमाने का सुपरस्टार बनेगा. जोरदार तालियां और इस आशीर्वाद की. मैं तो पहले तो गली बॉय के ये जो प्रोड्यूसर हैं इनको खास करके बहुत बहुत बधाइयां दूंगा. और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारी लाडली बहन ने बहुत अच्छी मेहनत की. और वैसे इस प्रोग्राम को अगर असली में किसी ने सक्सेस किया है तो मैं चाहूंगा वसीम साहब जरा सामने आए, क्योंकि अगर वसीम साहब नहीं होते तो बहन जी बुरा नहीं मानना. आइए सर. जाओ वसीम भाई. और देखिए कोई चीज सक्सेस होती है मीडिया के अलावा भी. मीडिया तो चाहिए, मीडिया के बगैर नहीं हो सकती, मगर जो सक्सेस मिली है या कामयाबी मिली है सारा श्रेय मैं वसीम जी को और हमारी बिटिया रानी. कहा है वो? हाँ नीचे आ जाना. तो डिजाइनर हूँ. नहीं ये कट गया रोल. कट. चलिए दिलीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है बच्चों को, बच्चों का टैलेंट देखकर, और खास करके गली गाई जो देखा गया तो सच में गली गली के बच्चे आए हुए, आए ला रहे, गए ला रहे, सब इस तरीके का भाषा यूज कर रहे थे. सर मैं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रियल बताऊंगा कि जो टाइटल रखा गया है गली गाय, यानी गली मोहल्ले से जो निकल के बच्चे आते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम जितने भी कलाकार आए हैं, जैसे हम अपने अपने प्रांतों से निकल के आए, जैसे मैं राजस्थान से आया, कोई पंजाब से आया, कोई दिल्ली से आया, मगर हमारे भी गली मोहल्ले ही हुआ करते थे. हम मुंबई आके अपना जद्दोजहद करके और फिर ये मुकाम पाया कि संगीतकार में बना है. सबसे पहले मैं डांस मास्टर था, मगर हमें जो जद्दोजहद करनी पड़ी या औरों को जो करनी पड़ती है इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए, गली गाइस करके जो ये प्रोग्राम बना है, मुझे लगता है कि सबसे ने जो ये कदम उठाए हैं ये उन लोगों के लिए है कि यहाँ आके इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. जैसे कि अमूमन पहले ये हमारे एक ट्रेंड था अपना टैलेंट दिखाने के लिए, एक शोरील बनानी पड़ती थी, तो उसके जरिए वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास जाता था कि भाई सिंगर है तो वो अपना ऑडियो बना के हमको भेजता था, तो हम सुनते भी थे नहीं भी सुनते थे. मगर सम्स ने जो ये काम किया है खास करके कि नए लड़के लड़कियों को टैलेंट को, सिंगर हो या फैशन वाले हो या डांसर्स हो, उन लोगों को लेके उसने किया कि भाई तुमको कुछ शोरील वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो. हाँ गलतियाँ, क्योंकि जो नए लड़के होते हैं सबसे पहले तो उनको ये पता नहीं होता कि हमको स्टेज में कहाँ से एंट्री करना, कैसे एग्जिट करना, प्लस कैमरा कैसे फेस करना. मगर उसके लिए मैं इस शो के कैमरामैन साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और इसके जो खास करके करता धरता समझिए या इसके ऑर्गेनाइज को जो हैंडल करने वाले वसीम साहब को मैं बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस शो को काफ़ी ज़माने में मेहनत की और उन बच्चों से अच्छा काम लिया. और मैं खुद एक दिन के लिए वहाँ गया था और देखा मैंने कि नहीं भाई, गली मोहल्ले में तो खैर होता ही है, टैलेंट तो हर जगह होता है, गली मोहल्ला तो एक नाम है, और ये बहुत ही प्यारा इनका प्रयास रहा है. और मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरीके से बाकी शहरों में भी, बाकी देहातों में, मतलब हमारे मुंबई सिटी में, जैसे ये नाला सोपारा का एरिया था ना शायद हमारा, तो मुंबई शहर की भी जो छोटे छोटे कस्बे हैं या शहर है या गांव है, उनमें अगर लोग मेहनत करें और इस तरीके से करें तो उनको यहाँ मुंबई जैसे शहर में आके धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, और उनके लिए एक तरीके से बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है. और मेरी तरफ से बहुत बहुत उनको दुआएँ हैं, बधाइयाँ हैं कि वो इसमें आगे बढ़कर सक्सेस हों और अल्लाह ताला उनको सक्सेस करे. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. दिलीप जी क्या कहना चाहोगे, जो शम्स ने इतना अच्छा काम किया है, आगे क्या आप मौका देंगे उनमें भविष्य में? देखिए एज ए सिंगर अगर कोई उसमें से अच्छा आएगा तो डेफिनेटली मैं उनको एज ए सिंगर के लिए कोशिश करूंगा. रही बात एक्टिंग की या डांसर्स की, तो वो मेरा सब्जेक्ट है नहीं. हाँ मेरे सब्जेक्ट में जो भी आएंगे इस गली गाइस के जरिए, तो मैं उन लोगों को ज़रूर समय भी दूंगा, टाइम भी दूंगा और मैं उनको सुनूंगा भी.
शम्स के लिए क्या है, उनका भविष्य कैसे देख रहे हैं? देखिए इस वक्त तो बहुत काफी छोटा है वो, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आगे चल के वो क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, मगर जो उनकी शुरुआत है और जो उनकी एक सोच है उस और जो उनकी उड़ान है उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक अपना अलग से मुकाम बनाएंगे। कि जिस लड़के ने 11 साल की उम्र में अगर एज ए प्रोड्यूसर इतना बड़ा स्टेप उठाया है, और उसके माता पिता को मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने उस बच्चे के हौसले को मजबूत बनाया और उसको मतलब खर्चे से कोई मतलब, जिस हिसाब से मैं देखा सेट के ऊपर तो बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे जी टीवी का या किसी बड़े शो का सेट लगा हुआ है, इतने कैमरे लगे हुए थे। तो देख के मुझे लगा कि नहीं भाई काफ़ी खर्चा उन लोगों ने किया। तो ये समझ लीजिए कि शम्स जिस राह पे चल रहा है तो अल्लाह ताला उसे बहुत कामयाब करेगा, और कहीं ना कहीं जाके जब वो एक सर्टन एज में आएगा तो वो एक परफेक्ट प्रोड्यूसर की शक्ल में या एक्टर की शक्ल में या ऑर्गेनाइजर की शक्ल में होंगे, और अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। नमस्कार। जी हाँ बिल्कुल, अगर एकेडमी के भी जो आए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें तो जॉइंट फिल्म्स के जो आए थे बच्चे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, और जॉइंट फिल्म तो अपने आप में एक बड़ा नाम है और उन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी जहाँ से भी आए, क्योंकि टाइटल तो एक ही रहेगा गली गाय, तो मेरी तरफ से गली गाय के सारे देखने वालों को बहुत बहुत बधाई और खास करके प्रेस मीडिया को नमस्कार। वसीम जी के दलिए मैं ये कहूँगा, रिश्ते में वो मेरे भतीजे हैं, और वसीम जी और नजमा जी ने बहुत मेहनत की, अगर वो नहीं होते तो ये शो को इतने अच्छे चार चांद नहीं लगते, बल्कि उनकी वजह से ये पूरा शो सक्सेस हुआ। और आज जो इतना सारा मीडिया जमा हुआ है और आज इतने लोग जो हम लोग जमा हुए हैं, इसका सारा श्रेय वसीम साहब को जाता है। इसके असली से दूल्हे राजा वसीम साहब, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। वो चीज के मेरे को हैबिट लग गई है, उतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं वो पूरा कर सकता हूँ। लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? लोगों का एप्रिसिएशन बहुत मिल रहा है आपको, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। मैं उनके लिए भी वही कहना चाहूँगा जो वो लोग मेरे लिए कह रहे हैं, और मैं वो चाहूँगा कि उन लोग भी मेरे प्लेटफॉर्म में एक बार आके ट्राई कीजिए अपना टैलेंट जो उनसे निकलता है पूरा। कितनी मुश्किल हुई है टैलेंट ढूंढने के लिए, कुछ आप बता? टैलेंट ढूंढने की कभी भी मुश्किल नहीं होती, टैलेंट खुद चल के आता है। थोड़ा लाउड बोलो बेटा। और ये टैलेंट में क्या क्या आपको खूबियां दिखी? आपने सिंगर को भी, मॉडल को भी देखा, आपने गली गली के लोगों को आपने खाया, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा उन लोगों ने भी अपना बेस्ट दिया था शो में, और उनकी उनने भी बहुत मेहनत की थी शो में। और आगे की क्या प्लानिंग है? हमने सुना है कि सीजन 2 भी आने वाला है, और क्या कहना चाहूँगा? मैं बोलना चाहता हूँ कि हर ईयर में हमारे 2-3 गली का इसके एपिसोड बनेंगे, जिनमें से कोई ना कोई स्पेशल होगा वो सब होगा। दिलीप सेन और सोहेल पाल जी ने आपकी काफी तारीफ की, क्या कहना चाहूँगा? दिलीप सेन तो मामा, दिलीप सेन तो मेरे नाना है। उनको थैंक्स ही बोलूंगा, इतनी इजी सी बात है। और इसका श्रेय आप अपनी मम्मी डैडी को कितना देना चाहोगे? मम्मी डैडी के बिना थोड़ी ना हो पाएगा शो। किस तरह की मदद की उन्होंने, कुछ आप बताना चाहेंगे? उन्होंने जैसे कि बहुत सारे जैसे कि पैसे अपने बहुत इन्वेस्ट किए मेरे पीछे, मेहनत की है मेरे पीछे, और भी बहुत चीज़ें की हैं। और अब ये 15 तारीख को ये रिलीज होगा, क्या किस तरह की प्रमोशन होने वाला है, आप कुछ बताना चाहोगे? ये रिलीज होगा एपेक्स प्राइम पे। आपके फ्रेंड्स क्या क्या कह रहे हैं? उन लोगों ने भी मेरे को बहुत हौसले दिए और हेल्प किए, कॉन्फिडेंस बढ़ाया मेरा भी। हमने देखा कि आपका इंस्टाग्राम में भी आपके काफी फॉलोअर बढ़ चुके हैं इसके बाद, और आप लोग आपको काफी पसंद कर रहे हैं, तो आगे की क्या प्लानिंग है? एक्टिंग करियर भी आप देखोगे आगे के? मैं मेरा करियर है एक्टिंग भी है और साथ साथ क्रिकेट भी है। शम्स एक सवाल के लिए, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है तो क्या कहना चाहोगे? जॉइंट फिल्म्स जो है वहाँ पर एक बार मैं भी अपना इंटरव्यू देने गया था,
जहाँ पे उनके भी बहुत सारे बहुत अच्छे टैलेंट्स निकल के आए थे, जो उधर उनके भी बच्चे तो बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स निकल के आए थे वो साइड से भी। एक ऑडिशन को लेके काफी आगे का जो सीजन 2 होगा, तो ऑडिशन कहाँ कहाँ लेने वाले आप? ऑडिशन हम लोग नहीं ले गए वो टाइम पे, उसको लेके काफी बात हुई ऑडिशन होना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का मेन गोल ये है कि हम लोग हर जगह से टैलेंट निकालेंगे, हर जगह से निकालेंगे, इसलिए हम वो नहीं रखना चाहते ताकि हम सारे लोग के ऑडिशन पूरे निकाल पाए। आने वाले दिनों में आप कौन से एक्टर और एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहते हैं? मैं अपना आपके साथ ही काम करना चाहता हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं निकाल। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जाहिर सी बात है स्वाभाविक, फेम मीडिया वसीम भाई, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम हैं गली बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो एपेक्स पर आप देखने जाओगे, स्ट्रीमिंग होगा बहुत जल्द। ये वाकई मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक 11 साल का बच्चा, जो अमूमन 11 साल के बच्चे, जैसे कि कहा अभी कुछ अंदर कहा गया कि भाई अमूमन ऐसे 11 साल के बच्चे मोबाइल्स में लगे रहते हैं, इंडोर गेम्स में लगे रहते हैं और वो सारी क्रियाएं करते हैं जिससे हम बड़े लोग इरिटेट होते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा ऐसा कार्य में जुटा हुआ है जिससे वो कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ आविष्कार करना चाहते हैं। ये अपने आप में एक आविष्कार है, मतलब एक 11 साल की उम्र में ये एक उत्पन्न कर रहा है कुछ नई चीज़, तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी उसने एक नयापन लाया है कि जहाँ पर 3 रियलिटी शो के नाम पर वो ऑडिशन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, डायरेक्ट गली गली में जा करके घूम करके वो लोगों को चयन कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सर आगे की क्या प्लानिंग होगी, और क्या आप भी इस रियलिटी शो से जुड़ पाएंगे, सीजन 2 में आपका योगदान होगा कुछ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ये इनफैक्ट मैं कहूँगा मेरा सौभाग्य होगा अगर मुझे जोड़ा जाए, तो मेरा सौभाग्य होगा। और खासकर ऐसे शख्सियत का हमको जुड़ना चाहिए। उन बच्चों के लिए क्या नसीहत रहेगी जो आज मोबाइल में 24 घंटे लगे रहते हैं गेम के? बच्चों के लिए नसीहत ये होगी मेरी तरफ से कि अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, ऐसे शम्स राठौड़ को लोग देखे, सीखे कि हम जो अपना समय ज़ाया करते हैं, अधिकांश समय ज़ाया करते हैं, वो न करके हम ऐसी चीज़ें करें जो सदुपयोग करें और उसका कुछ प्रयोग उसका बड़ा हो। आज के दिन तो शाम स्टार्टर को मैं बेस्ता पार्ट करना चाहती हूँ, और मैं हैप्पी हूँ इस शो का मैं पार्ट हूँ, इस शो का मैं डिज़ाइनर हूँ और इस शो का जूरी भी मैं रह चुकी हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जो इतनी छोटे से बच्चा 11 साल का इतना अच्छा काम किया है, उस शाम्स को देख के और दूसरे बच्चा भी आगे बढ़ेंगे। और गॉड ब्लेस शाम्स, कंग्रेचुलेशंस ऑल अटायर टीम, फेम मीडिया और मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए, और इस शो का मैं इतना एक अच्छा हिस्सा हूँ। और थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ मीडिया, और मेरी गला ठीक नहीं है, ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। इस बात की बड़ी प्रसन्नता है हमें कि ये बच्चे ने कुछ हटके सोचा। हटके सोचने का मतलब ये है कि वो स्कूल जाता है, घर से निकल के स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, तब वो देखता है कि मेरे आसपास के इलाके में, मेरे जहाँ वो रहता है वहाँ के लोगों के अंदर इतने टैलेंट है, लेकिन उनको कोई उभारने वाला नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं उनके पास। और उसी दौरान उसको एक अवसर मिला गोवा जाने का, जहाँ से देखा कि ऐसा एक रियलिटी शो गोवा के अंदर हुआ है, तो उसने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं भी ऐसा रियलिटी शो करना चाहता हूँ। तो बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है कि उनके पेरेंट्स ने उनका पूरा सहयोग दिया, ये कॉन्सेप्ट को लेकर के चले शहबाज भाई और प्रिया मैडम, लेकिन इसको सबसे अच्छा रूप दिया वसीम भाई और नजमा मैडम ने। तो हम तहे दिल से वसीम भाई और नजमा मैडम के बहुत ही आभारी है कि जिनके अथक प्रयत्न और उनकी मेहनत के बगैर हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, और उसके ऊपर आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बड़ी खुशी की बात है, जो भी यहाँ पर आकर के पार्टिसिपेट करते हैं
और यहाँ से अगर कुछ बन करके जाते हैं तो अल्टीमेटली इसका श्रेय हमें भी मिलता है। थैंक यू सर। एज ए मेकअप आर्टिस्ट मैं बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स और फैशन शो में रेडी कर चुकी हूँ, बट एक टैलेंट हंट शो में एज ए ब्यूटी पार्टनर जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब मैं ये शो में एज ए मेकअप आर्टिस्ट एंटर हुई तब जाके मुझे पता चला कि अरे ये तो बहुत छोटा बच्चा, 11 साल का बच्चा शम्स राठौड़, जो कि एक अपनी नई सोच लेके आया है टैलेंट शो के लिए, जहाँ पे गली के बॉयज़ लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गली गाइज जो टाइटल दिया हुआ है वो अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि जो गली के बच्चों में टैलेंट है वो उभर के बाहर आएगी। सो ये टाइटल ही मुझे बहुत पसंद आया, सो थैंक्स ये टाइटल जिन्होंने भी सिलेक्ट किया बहुत अच्छा किया, और थैंक्स टू नजमा दी और वशिम सर कि वो मेरे साथ पहले भी मेकअप पार्टनर जुड़े थे और आज भी मेरे पे भरोसा रख के मुझे ये टैलेंट शो में एंट्री दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। देना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई को, ये एक प्लेटफॉर्म जो है ओपनिंग की है इसने गली गाइस नाम से जो टाइटल है, और इसमें हम लोग एक एपिसोड के साथ साथ हम लोग वेब सीरीज भी प्लान कर रहे हैं जिसमें हम लोग और टैलेंट को भी मौका देंगे और कास्टिंग जो है वो करना चाहते हैं हम लोग, जिसमें ये देख रहे हैं आप हमारे इंडियन के जस्टिन बीबर, बहुत सारे लोगों को मौका देना चाहते हैं, तो फील फ्री एंड ज्वाइन अस, और हम लोगों की जो वेब सीरीज आने वाली है उसमें मौका दिया जाएगा आपको, बस आप जल्द से जल्द आप हमें कनेक्ट कीजिए। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ हम लोग ना एक और एक वेब सीरीज वो कर रहे हैं जो कि 25 एपिसोड की होगी और आगे गली गाइस का और सीजन बहुत सारे हैं और हम लोग एल्बम्स भी बना रहे हैं। जैसे कि हमारे अभी हमारी जो आपने प्रिया फिल्म्स के नाम से जो प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग जो है गाने प्रोड्यूस करेंगे, वेब सीरीज़ प्रोड्यूस करेंगे, बेसिकली हमारा जो है कि एक प्लेटफॉर्म जो बना लिया है हमारे भाई ने, इंशाल्लाह बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हैं छोटे से अभी से, तो एक प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है, बस हमें कास्टिंग करनी शुरू करनी है और जो हमारा नए टैलेंट है उनको काम देना शुरू करना है, बस आप लोगों का प्यार बना रहे और ऐसे ही ये और तरक्कियाँ करें और बड़े बड़े काम करें कि जिससे और लोगों को भी काम मिले इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हमें बहुत खुशी होती है और सफल भी हुआ तो हमारे वशीम भाई क्या बोलते फैम मीडिया और आप सभी की लोगों से इतना आगे बढ़ रहा है, आप लोग के सहयोग के बिना थोड़ी आगे बढ़ता। आज आप इतना बड़ा लॉन्च हुआ और बड़े पर्दे में आपका बेटा दिखा, कैसे देख रहे हैं? वो उस खुशी को तो जाहिर कर ही नहीं सकते कि कैसा लग रहा है। चलो बड़ी मुश्किलें आई थी सामने, ये कंसेप्ट को बताया गया था आपकी बेटी के साथ? जी हमें तो ऐसे कोई मुश्किलें नहीं आई, जहाँ मेरा बेटा खड़ा रहता वहाँ मेरे को ऐसा लगता हर चीज़ आसान है। आपके बेटे ने लोगों को मौका दे रहा है, जॉइन फिल्म एकेडमी के लोगों को मौका दिया, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, क्या कहना चाहोगे? जी मैं बहुत अच्छा लगा है कि मेरे बेटे ने मौका मिले और मेरे बेटे के साथ कोई आगे बढ़े, उससे भी ज़्यादा अच्छा मेरे को उस समय लगेगा। जी फैम मीडिया के हम बड़े आभारी हैं, हम उनको दोनों जन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते, अलग अलग शहरों के बच्चों ने यहाँ पे कंटेस्टेंट किया है, क्या कहना चाहोगे? जी अभी बस अगले महीने में सीजन 2 स्टार्ट होगा, अभी तो आपने एक ट्रेलर देखा है, अभी पूरा तो बाकी है, अब अगले महीने से आगे हम लोग के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे लखनऊ का, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, अजमेर, अभी वापस से चालू होंगे। ओके वेलकम। थैंक यू। पूरा एक्सपीरियंस फर्स्ट डे तो सबसे पहली चीज, जैसे कहते हैं 96% नर्वसनेस तो हर टाइम रहती है। 96% बिकॉज, अच्छा मैं आपको बताऊँ, अगर कोई इंसान हर दिन पत्थर तोड़ता है तब उसके लिए नॉर्मल है पत्थर तोड़ना, मगर कोई एकदम सिटी के एकदम नॉर्मल इंसान से पूछूंगे पत्थर तोड़ना एक हाथ से तो उसे कितना भारी भरकर काम लगता है, मगर वो भी कुछ
कुछ सालों तक करते रह गए काम, तो उसके लिए भी नॉर्मल होएगा। इसके लिए कहते हैं 96% नर्वसनेस पहले, फिर अच्छे से जगह को देखना रहता है, फिर दोस्त बनते हैं। फिर आप 96% नर्वसनेस क्या बनती है? 96% शॉर्टनेस, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, नर्वसनेस वो बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाता है। कहते हैं ना न्यूटन के लॉ में, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, है ना? एनर्जी कन्वर्ट होगी ना, मेरी एनर्जी हिंदुस्तानी भगवान बोला बड़ा एक्सपीरियंस तो मैंने पहले भी बोला कि अच्छा ही था, कॉन्फिडेंस जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था वो काफ़ी आया है, और अच्छा भी लगा, सीखने मिला, और टैलेंट शो इसमें था तो टैलेंट में लोगों ने दिखाया अपना अपना जो भी था, और अच्छा मेरा भी जर्नी वहाँ पे अच्छा ही था, मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ, और मैं इंटरटेनमेंट के लिए गया था वहाँ पे, इंटरटेनमेंट मेरे अंदर बहुत छुपा हुआ था, मैं दिखाया वहाँ पे थोड़ा, और कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम फेस किया मैंने कैमरा, तो मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हुआ, और मैं थैंकफुल हूँ बहुत। थैंक यू। मैं सिंगिंग का टैलेंट दिखाने गई थी एज ए सिंगर, और आई एम एक्ट्रेस एंड मॉडल, और मैं सिंगिंग का टैलेंट दिखाने और मुझे नए नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगा, और बस एंजॉय किया। और एक सिंगिंग दो जाने कैसे बांधे तूने आँखियों के डोर, मन में रखीचा जलाया तेरी ओर, तेरे चेहरे की सुबह ज़ुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है के जादू हो, होने लगी हूँ मैं हुसैन आफरीन आफरीन। अभी मैं नाउ जस्ट वेब सीरीज करके हाइड एंड सीक और बस एज अ लीड किया मैंने। मुझे यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया, और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने जो मैंने कभी पहले नहीं किया था, जो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ हुआ वो आज तक में कहीं नहीं मिला, और मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे डांस में इंटरेस्ट था, मैंने यहाँ पे डांस किया फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने, मैं कभी ऐसा स्टेज शो कभी नहीं किया, तो मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं आगे भी ऐसा एक्सपीरियंस और करना चाहूँगा और करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और प्रिया और सम्स को भी धन्यवाद, और नजमा और भाई वसीम भाई को भी धन्यवाद कि मेरे को यहाँ बुलाए, और हमारा भी मिसेस इंडिया होता है, ये बात बिल्कुल सही है, मिसेस के लिए होता है, लेकिन सम्स जो है वो मेरा बेटा है, क्योंकि प्रिया मेरी छोटी बहन है और ये शम्स मेरा बेटा है, तो इस उस वजह से यहाँ आना तो मेरा बनता ही था, लेकिन इस बच्चे ने जो 11 साल की उम्र में कमाल किया है, इस बच्चे ने जो कर दिखाया है, उसकी सोच थी
थी कि बड़ी मम्मी अपन गली के लोगों को लाएंगे और कुछ ना कुछ टैलेंट दिखाएंगे, और उस समय दिखाया भी। कई बच्चे आए गली से, छोटे छोटे लड़के लड़कियां सब आए, अपनी अपनी उन लोगों ने हुनर दिखाया, और उसी हुनर को लेके शम्स के बहुत सारे और भी सोच है, बहुत सारी प्लान है। वो डिस्कस करता है, बोलता है मुझे बच्चों को जो हमारी जनरेशन है उसको किसी और जगह लेके जाना है, मैं वो चीज़ देख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें शम्स में जो है उसका अप्रिशिएट करने के लिए तो हमें आना ही था। तो इस खुशी के मौके पर एक और गुड न्यूज़ है हमारे साथ कि प्रिया दीदी, प्रिया फिल्म्स और जेआरडी मोशन पिक्चर मिलकर कोलैब में हम लोग नए टैलेंट के लिए गाने और क्या नाम है वेब सीरीज वगैरह प्लान कर रहे हैं। तो गाइस आपके लिए बहुत अच्छा फील लगे, आप जल्दी से जल्दी हम लोगों को कॉन्टैक्ट करें जिससे आपको काम करने का मौका मिले। जेआरडी मोशन पिक्चर, प्रिया फिल्म। नर्मा जी आइए, तुम लोग के घर पे सबको सर, मैं जूरो 25 लाख का चेक, ये 25 लाख का चेक। जूरो कितना देखना है उसको? जूरो कितने हैं देख लीजिए आप, सब जीरो है, जीरो पूरे। हेलो, इसको कैश करा के सबके घर पे भिजवाता हूँ।